अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ, वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। आज मैं सभी हिंदुओं को बताकर रहूंगा कि पैगंबर मोहम्मद औरतों की इज्जत करते थे या क्या करते थे, क्योंकि ये बाबा बार बार कह रहा है लुटेरा बलात्कारी, यही सब कह रहा है। इसीलिए सभी हिंदू भाइयों को बिल्कुल मोहब्बत के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर पैगंबर मोहम्मद जिस तरह ये कह रहा है बलात्कारी, अगर होते तो मोहम्मद का कानून जिस देश में लागू है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बलात्कारी होते। कितने बलात्कारी हैं अभी सबूत आप लोगों को दिखाऊंगा। और जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद का कानून नहीं है, जैसे भारत, यहाँ पर कितना बलात्कारी है सबूत के साथ दिखाऊंगा। ना इस बाबा की बात मानिए और ना ही मेरी बात मानिए, आप सबूत को मानिए। जब मैं रिसर्च किया तब मुझे पता चला सऊदी अरब में जहाँ पर मोहम्मद का कानून लागू है वहाँ पर 2002 तक यानी हर साल 100,000 लोगों पर सिर्फ 0.3 लोग बलात्कारी निकले। कितने? 0.3 हर साल। 2019 की अगर बात करें तो सिर्फ 8 लोगों को सज़ा मिली, यानी एक साल में 8 लोग बलात्कारी निकले। लेकिन जहां पर मोहम्मद का कानून लागू नहीं है, जैसे भारत, इंडिया, हमारा प्यारा देश, यहां की अगर बात करें तो आज तक की रिपोर्ट देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक दिन में 86 बलात्कार। जबकि यहां की औरतों को देवी कहा जाता है, पूजा भी होती है, लेकिन एक दिन में 86 औरतों के साथ बलात्कार किया जाता है। तो एक दिन में 86, तो एक साल में कितने हो गए, महीने में कितने हो गए, आइए कैलकुलेटर की तरफ। एक दिन में 86, अब ये एक महीने में कितने हो गए, गुना हम 30 कर देते हैं, 30, देखिए 2580, एक महीने में 2580 रेप। अब एक साल में कितना, यानी 12 महीने में, इसको हम फिर देते हैं 12। ये देखिए, एक साल में 30,960 बलात्कार। ये है मोहम्मद का कानून। जहां मोहम्मद का कानून वहां कम बलात्कार, जहां मोहम्मद का कानून नहीं वहां ज़्यादा बलात्कार। यानी सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर औरतों की इज्जत की हिफाजत करने वाला अगर कोई है तो वो मोहम्मद है। 1400 साल पहले हुक्म दे दिया था और करके भी दिखाया था, अगर कोई औरतों की इज्जत लूटे तो उसके साथ क्या करना चाहिए, खत्म। आज भी सऊदी के अंदर ये सब होता है, क्योंकि वहाँ पर मोहम्मद का कानून चलता है। स्क्रीन पर आप देखिए, अगर कोई इस तरह करता है तो उसके साथ क्या होता है, पहले तो उसको काटता है, उसके बाद पब्लिक के सामने उसे क्या करता है, बस। क्यों? क्योंकि औरतों की फिक्र करने वाला सबसे ज़्यादा जो फिक्र करते थे वो मोहम्मद थे, इज्जत जो करते थे सबसे ज़्यादा वो मोहम्मद थे। और जहाँ पर पूजा होती है, देवी कहा जाता है, वहाँ की हालत देखिए स्क्रीन पर। तो कमेंट में आप लोग ये बताइए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा औरतों की इज्जत करने वाला, इज्जत बचाने वाला कौन हुए, बताइए। वीडियो को शेयर करिए, इस बाबा को जवाब दीजिए।